निर्भया कांड में दोषी करार दिए गए नवीन नगर प्रखंड के लहंगकर्मा गांव के रहने वाले अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता ने तलाक की अर्जी दाखिल की है। पुनीता ने ये अर्जी औरंगाबाद परिवार न्यायालय में दी है। अक्षय की पत्नी ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दिया जाना है, लेकिन वो निर्दोष है। ऐसे में वो उनकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए उन्हें पति से तलाक चाहिए। इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की गई है। अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता ने बताया है कि पीड़ित महिला को कानूनी अधिकार है कि वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है। इसमें रेप का मामला भी शामिल है। अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है तो वो तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। आपको बता दें कि निर्भया के सभी दोषियों विनय शर्मा, अक्षय सिंह ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जानी है। इससे पहले निर्भया गैंगरेप मामले में एक और नया मोड़ आ गया, जब फांसी की सजा पाने वाले चारों दोषियों के परिजनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। इच्छा मृत्यु मांगने वालों में दोषियों के बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन और उनके बच्चे शामिल थे। न्यूज डेस्क।